नरेन के सामने एक सच आ गया है सामने कि उसकी असली माँ चंद्रिका है, तो ये सुनकर कितना शौक हुआ? नरेन की असली माँ चंद्रिका है, इस बात से नरेन को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, बट जितना इस बात से पड़ा है कि सुप्रिया उसकी माँ नहीं है, जिस सच से वो जिस सच को उसे छुपाया गया था, जो राज इतने सालों से उसे दूर रखा गया था, आज वो जब इस तरीके से खुला है तो हाँ, पहले गुस्सा है, बहुत ही एक क्वेश्चनिंग जो नेचर है कि ये सब क्यों है, क्या है, बट सबसे बियॉन्ड जो है कि जब सवाल आता है कि खुद के एग्जिस्टेंस पे, कि अगर आप इस घर के बेटे नहीं हो तो आप कौन हो, आप क्या हो, जब इस घर से बाहर निकलोगे आपके पास एक रुपया नहीं होगा, आप क्या करोगे? और इसीलिए वो सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे वादे जो उसने घर वालों से किए थे, जो उसने पूजा से किए थे, आज वो सब तोड़कर यहाँ से निकलना चाह रहा। तो जैसे कि देखा, आप जब घर छोड़ के जा रहे हैं, बैग में आपके बदले पूजा के कपड़े हैं, तो इसका रीज़न ये था कि पूजा जब यहाँ आई थी उसने मुझसे एक शर्त, एक वादा लिया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, दो दिनों के लिए आई हूँ, उतने में करके मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊँगी जब नैना का राज खुल जाएगा। और आज नैना का राज भी खुल गया और काफ़ी सारे राज खुल गए, तो इसलिए जो पूजा करना चाह रही थी, आज नरेन खुद ही उसका सामान लेकर आया कहने के लिए कि मतलब मैं कोई नहीं हूँ रोकने वाला, नाउ यू कैन लीव, क्योंकि और खुद का सामान वो लेके नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि खुद का उसका कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये ना घर उसका है ना घर वाले उसके हैं, तो किसी भी चीज़ पर उसका कोई हक बनता नहीं है। So, राज का पता करेंगे नरेन कैसे हुआ ये? नहीं नहीं, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि एक्चुअली मुझे, मैं ये चाहता कि नरेन को भी पता होगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो घर से निकल तो चुका है लेकिन एक खुद की तलाश, एक खुद की आइडेंटिटी और ये सब क्या हो सकता है एक इंसान बिना नाम के, शायद ये नई जर्नी शुरू होगी उसकी।